नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज में। राज्य सरकार लाखों नीतियां बना रही है भारत को उज्जवल बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोई खामी भी नहीं छोड़ रही है। लगातार राज्य सरकार राज्य को चमकाने में लगी हुई है और जनता के हित में काम भी कर रही है, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि 2010 में राज्य में कांग्रेस सरकार के चलते हरिद्वार ग्रामीण के सुकरासा गांव में एक ब्रिज का निर्माण PWD द्वारा किया गया था, जिसमें कांग्रेस सरकार की अनदेखी कही जाए या PWD की लापरवाही, जिसके कारण यह ब्रिज 7 सालों में ही क्षतिग्रस्त हो गया है और आवाजाही बंद हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश है अमित कुमार नंद की एक रिपोर्ट। पुल का निर्माण कराया गया था, जो कंप्लीट पुल था वो जो है ऊपर से फ्लड आने के कारण वो अस्तग्रस्त हो गया था 1 साल पहले। उसमें जो है PWD द्वारा कार्य कराया गया है, वो गांव वालों की सुविधा के लिए कच्चा जो है डायवर्जन बोलते हैं कि टेम्परेरी रास्ता, लेकिन वो परमानेंट रास्ता नहीं है। उसमें शासन को जो है एस्टिमेट भेजा गया है और उसमें जो है स्वीकृति में अभी टाइम लग रहा है कि बता रहे हैं अभी सरकार पे जो है अभी धन की कमी है, तो इसलिए वो स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। कि अब जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन होने के वजह से हमारा पुल भी जल्दी स्वीकृत हो जाएगा, तो हम इसलिए गांव के क्षेत्र के विकास में तत्पर रहते हैं कि कहाँ लोगों को सुविधा ना हो। तो इसलिए PWD से कहने के बाद PWD वालों ने उसे टेम्परेरी जो है पाइप डालकर कच्चा रास्ता तैयार किया गया था, और पानी आता है और उसे बह के ले जाता है। परमानेंट जो है उसका समाधान तो इस्टीमेट जो है स्वीकृत होने के बाद ही पूरा कुल जो है तैयार होगा। अभी उसको फिर हटके तैयार किया जा रहा है, उसमें और पाइप डाले जाएंगे और उसे दोबारा तैयार किया जा रहा है। PWD वालों को कहा गया है और वो तैयार कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा काम के लिए बोला है कि उसे तो आप तैयार कराओ, और हम भी लगे हुए हैं उसमें। हमारी जहाँ से वो कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए और 1-2 दिन में तैयार हो जाए। कठोर उसमें इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि जो आपदा में कोई वो नहीं होता, आपदा आती है और बह के ले जाती है कुछ चीज को। 2010 में इतना तगड़ा फ्लड आया था कि वो नीचे से पानी घुसा और उसके कटाव होके पानी अस्तग्रस्त हुआ है। क्या नहीं मानता कि PWD की ऐसी कोई रही हो, टेक्निकली है सारे, ये तो PWD वाले ही बताएंगे, लेकिन वो आपदा है, आपदा की वजह से ही वो अस्तग्रस्त हुआ है। तो कच्चा पुल है, पानी इतना फ्लड आता है तो वो काट दे, कच्चा रास्ता तो कभी भी बह जाता ना, पानी कटाव कर देता है तो रुक नहीं सकता। वो टेम्परेरी रास्ता है कि लोगों को सुविधा ना हो और चलते रहें। आ गया है उस पर और कार्य हो रहा है उस पर आने वाले टाइम।